पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वावधान में भारत को योग में बनाने का क्रांतिकारी संकल्प परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने हम सबके साथ मिलकर के एक एक व्यक्ति को कैसे हम निरोग बना सके, ऐसे अभियान के साथ जुड़ करके हम सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सबका सहयोग समर्थन मिलते हुए यह अभियान बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के गढ़ानी प्रखंड के बलिगांव पंचायत स्थित लालगंज गांव के प्राचीन तालाब में बैठ करके वर्षाकालीन सत्र में आज हम सभी 5 दिवसीय योग शिविर के 4th दिन हम इस अभ्यास के साथ अपने आप को और जोड़ने का और सतत और सात्विक आध्यात्मिक चेतना के साथ जोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। तो आइए आप सभी भाई बहनों का, आप सभी ग्राम वासियों को मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन योग प्रचारक पतंजलि योग पीठ हरिद्वार आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आज के इस सत्र की शुरुआत भस्त्रिका प्राणायाम से करते हैं। धीरे धीरे सांसों को अंदर ले जाते हैं, जब 5 सेकंड तक सांस अंदर ले जाएं तो उसी क्षण धीरे धीरे सांसों को 5 सेकंड तक बाहर करने का अभ्यास करेंगे। आप अपने ध्यान को, अपने हृदय को, अपने विचारों को, अपने मस्तिष्क को उगते हुए सूर्य पर टिकाने का प्रयास करेंगे। आप मन में एक भाव, आपके मन में एक परिकल्पना, हम सभी किसी सरोवर में खड़े हैं और सबकी आंखें बंद, मन शांत, हमारा ध्यान पूर्व दिशा में उगने वाले उस भगवान सूर्य का, भगवान भास्कर का, दीनानाथ का हम ध्यान करते हैं कि आप हम सब के बीच में उपस्थित हो जाइए, आपका आगमन हो। जैसे हम उदयाचल सूर्य को अर्घ देते हैं अपने भीतर के विकारों का, लंबा गहरा सांस, अब जैसे जैसे ध्यान हमारा केंद्रित होगा, जैसे जैसे हम उस परिकल्पनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारा ध्यान सीधे उगते हुए सूर्य की तरफ बढ़ने लगता है और धीरे धीरे ऐसा महसूस होता है जैसे हम बंद आंख से या खुले हुए आंख से जब देखते हैं तो दोनों में समानता दिखाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है क्षितिज पे लालिमा, धीरे धीरे भगवान सूर्य बाल स्वरूप के साथ उस लालिमा के साथ हम सब के बीच उपस्थित हो रहे हैं और उनकी लालिमा से निकलने वाले तरंगों से हम सभी तरंगित हो रहे हैं और हमारे भीतर के सारे व्याधियां, सारे विकार हमसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। सांस की गति को और बढ़ाते जाइए,
जब आप जीवन में कभी लगे मेरा कोई सहारा नहीं, मुझे कोई बताने वाला नहीं, मैं तो बहुत दलदल में फंस चुका हूँ, मैं तो भंवर जाल में फंस चुका हूँ, चक्रव्यूह में फंस चुका हूँ, तो आप बैठ करके ध्यान करते हुए सांसों पर ध्यान को टिकाते हुए जब धीरे धीरे शून्य की यात्रा करते हैं, यह वह यात्रा है जिस यात्रा को कभी भगवान कृष्ण कभी राम ने शुरू किया, यह वह पथ है जिस पथ पर कभी भगवान बुद्ध महावीर भगवान भोलेनाथ लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती ने चला, यह वह पथ है जिस पथ पे कभी स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर के और हम सब उसी पथ पर धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एक एक कदम भगवान कृष्ण के, राम के, बुद्ध महावीर के, हमारे भारत के प्राचीन, हमारे भारत के विराट आदर्श महापुरुषों की ओर बढ़ रहा है। हम उसके चरित्र को अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले रहे हैं कि मेरा भी जीवन उतना ही उज्ज्वल हो जाए, पवित्र हो जाए और मेरी आने वाली पीढ़ियां भी हमें एक आदर्श पुरुष के रूप में, एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में याद कर सके, जान सके। अब एक एक विकारों को हम दूर करते हुए आज संकल्प लेते हैं, ये परमात्मा मेरे अंदर छोटे छोटे जो विकार भरे पड़े हैं, बार बार जब हम कहीं यात्रा करते हैं, कहीं समाज में बैठते हैं सामूहिक रूप से या एकल रूप से, वहां भी हम अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से विकार को ग्रहण करते जाते हैं। अलग अलग इंद्रियां अपने अपने हिसाब से सत्य और असत्य को, सदाचार और व्यभिचार को अपने भीतर स्थापित करते हुए हम सबको या तो गलत रास्ते पे या तो सही रास्ते पे ले जाने का सहज मार्ग उपलब्ध कराती है इंद्रियां। इसलिए आज इंद्रियों को भी नमन करते हैं कि आप हमेशा हमें सात्विक मार्ग की तरफ ले चलो। ओम असतो मा सदगमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर मा अमृतम गमया। हे माँ, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे परमपिता परमेश्वर, हे कणकण में विराजमान होने वाले, मुझे अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, अंधेरे से प्रकाश की तरफ और मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। मेरा जीवन सौभाग्यशाली है कि हम सब मानव जीवन को प्राप्त करके दुनिया के सभी जीव जंतु पेड़ पौधे के लिए हम काम करने का, हम उसके प्रति सजग रहने का संकल्प लेते हुए धीरे धीरे इस अभ्यास को रोकेंगे और आंख बंद ही रहेगा, अभी पूरा प्राणायाम तक आंख बंद।